बैक टू माई चैनल। सॉरी आप सभी को इसीलिए क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो दे रही हूँ। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, इसके लिए तो मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। आज मैं कुछ यूनिक बनाने जा रही हूँ, मटन काबली चने का घुगनी बनाने जा रही हूँ। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। सबको फिर से मैं सॉरी बोल रही हूँ, बहुत बहुत सॉरी। स्टार्ट करते हैं। काबली चने को मैंने बॉइल कर लिया है पहले पीओ के, उसके बाद मैंने इसको नमक और टमाटर और प्याज के साथ इसको थोड़ा बॉइल कर लिया है इस, और इसमें आपको लगेगा मैंने यहाँ पे मटन लिया है, कीमा 100 ग्राम करीब है कीमा लिया है। प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसमें आलू दिया जाएगा, आलू है, अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और किशमिश मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर मेरे घर में था उसी को मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो ऐड कर भी सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे तेल पहले गर्म बिठा दिया है, अब इसमें पहले थोड़ा सा जीरा दीजिएगा, जीरा दीजिए। जब जीरा चटकने लगे तो उसको काट दीजिए। चेक कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेरे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप ही के चलते मैं इतना दूर तक अभी पहुँच चुकी हूँ। 100 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो चुका है, इसके लिए थैंक यू। जो मैंने टमाटर को बॉइल किया था उसी को इसमें से निकाल के मैं प्यूरी, एक बार घर पे जरूर बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को खाने में। इसी को मैं सब्जी में डालूंगी, उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट। पूरा देखिएगा वीडियो, स्किप मत कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वो कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसको दशहरे में भी बना सकते हैं, घर में कोई मेहमान आए तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार, इसमें काबली चना को मैंने नमक से बॉईल किया है, बोल के इसमें स्वाद अनुसार नमक दे दी।
पे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए हल्का सा ऑयल लेके। थोड़ी देर से फ्राई करना पड़ेगा मसाला को। और थोड़ा सा पानी गोल्डन ब्राउन ज्यादा नहीं हो गया उसको। थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। गर्म पानी थोड़ा सा दिया जाए तो टेस्ट अच्छा आता है। इसमें लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ दिल से धन्यवाद, थैंक यू बहुत ज्यादा मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। अब इसमें देखी सकते इसके ऑयल निकल रहा है। इसमें मैं पागली चना जो है इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी चाहिए पानी हल्का सा गर्म पानी देने से आपको अच्छा लगता है। इसको कुछ देर के लिए रख दीजिए। इसमें पनीर मैं ऐड करती हूँ। हो गया अभी देखिए मैं इसको सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको आप पराठे के साथ पूरी के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार घर में जरूर बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने इसको पूरी के साथ सर्व किया है, देख ही सकते बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। एक बार जरूर बना के देखिएगा घर में और पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और सबको मैं दशहरा का अभिनंदन बोल दूंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन तब आपको मिलते रहेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग की वजह से मैं इतना दूर तक आ चुके सपोर्ट के वजह से, इसलिए दिल से थैंक यू। पूरा वीडियो देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, बाय बाय।